कहते हैं कि दो देशों के बीच दोस्ती का सौदा नफा और नुकसान से होता है, पर जब इरादे बदल जाएं तो रिश्ता मैदाने जंग बन जाता है। ईरान और इसराइल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये दो देशों की वो कहानी है जिनकी दोस्ती में दरार पड़ी तो रिश्ता जंग की आग में जलने लगा। ईरान और इसराइल जो कभी सहयोगी थे वो अब खुले मैदान में खड़े हैं और चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की दीवार कब खड़ी हुई, नींव किसने रखी और वजह क्या थी। इतिहास बताता है कि 1950 के दशक से लेकर 1979 तक दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी थे। उस वक्त ईरान एक मोनार्की था जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। उन दिनों दोनों देशों के बीच तेल, हथियार और तकनीक का लेन देन होता था। ईरान इसराइल को तेल सप्लाई करता था जबकि इसराइल ईरान को अत्याधुनिक हथियार और तकनीकी मदद देता था। हालांकि इसमें अमेरिका का एक बड़ा योगदान था क्योंकि उस वक्त अरब देशों का प्रभाव बढ़ रहा था। कुल मिलाकर उस वक्त की मौजूदा स्थिति के हिसाब से ये आपसी फायदे का रिश्ता था जिसमें इसराइल को ऊर्जा मिलती थी और ईरान को सुरक्षा। लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामिक क्रांति जिसने ईरान की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल शाह की पश्चिमीकरण की नीतियों और निरंकुशता ने जनता को क्रांति के लिए उकसाया। धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने इसका नेतृत्व किया और शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान दुनिया का पहला इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस नई सरकार ने सबसे पहले इसराइल को दुश्मन घोषित किया, उसे शैतानी राज्य बताया और फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। बस यहीं से दोनों देशों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान के नेताओं ने इसराइल को इस्लाम और ईरान के लिए खतरा बताया और इसके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। अरब इसराइल संघर्ष में फिलिस्तीनियों का समर्थन करना शुरू कर दिया, खासकर हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों के जरिए। इन संगठनों ने इसराइल पर लगातार हमले किए। 1990 के दशक से 2010 तक दोनों देशों के बीच दुश्मनी ने और खतरनाक रूप ले लिया। इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगा और कई सीक्रेट ऑपरेशन चलाए। इधर ईरान ने सीरिया, इराक और यमन में अपने प्रभाव को बढ़ाकर इसराइल को घेरने की रणनीति अपनाई। हिजबुल्ला और अन्य प्रॉक्सी गुटों के जरिए उसने इसराइल के खिलाफ कई हमले किए। यानी दुश्मनी सिर्फ जुबानी नहीं रही, अब ये जमीनी स्तर पर हिंसा और प्रॉक्सी वॉर का रूप ले चुकी थी। हालांकि इस दौरान दोनों देश सीधे तौर पर कभी लड़ाई में नहीं उलझे, लेकिन प्रॉक्सी में जरूर फंसे रहे। लेकिन आज दोनों देश जंग के मैदान में उतर चुके हैं। ईरान के हमले के बाद से तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला जरूर लेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में आज स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि इन दोनों देशों के बीच भड़की ये चिंगारी दुनिया को एक और विश्व युद्ध में धकेल सकती है।